गैस, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही हिंदी वाक्यों का बहुत यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि तुम बोल ही सकते थे बस, वे हंस ही सकते थे बस, हम उसे समझा ही सकते थे बस, वो उसे सलाह ही दे सकते थे बस। गैस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है तुम यही कर सकते थे बस, यानी कोई काम कर सकते थे बस। इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस कहते हैं ऑल यू कुड डू वाज, ऑल यू कुड डू वाज। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑल, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ कर देनी है कुड डू वाज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वो प्रार्थना ही कर सकती थी बस, All she could do was pray. All she could do was pray. तुम बोल ही सकते थे बस, All you could do was speak. All you could do was speak. हम उम्मीद ही कर सकते थे बस, All we could do was hope. All we could do was hope. हम उसे समझा ही सकते थे बस, All we could do was make him understand. All we could do was make him understand. वो सोच ही सकता था बस, All he could do was think. All he could do was think. वो उसे सलाह ही दे सकता था बस, All he could do was advisor. All he could do was advisor. हम उम्मीद ही कर सकते थे बस, All we could do was hope. All we could do was hope. मैं कोशिश ही कर सकता था बस, ऑल आई कुड डू वाज ट्राई. ऑल आई कुड डू वाज ट्राई. तुम बोल ही सकते थे बस, ऑल यू कुड डू वाज स्पीक. ऑल यू कुड डू वाज स्पीक.